जो आपने इलेक्शंस की बात की, हिंदुस्तान में जो इलेक्शन होगा, मुझे जहाँ तक मेरा सेंस है वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी फिर से जीतेंगे, और जिस तरह पहले उन्होंने ये डेमोंस्ट्रेट कर चुके हैं तो पुलवामा के लिए तैयार रहना चाहिए, बालाकोट के लिए। ये है, दिस पॉसिबिलिटी। ये खबर ये चल रही है कि जो हमारे फॉर्मर एम्बेसिडर अब्दुल बासित साहब, उन्होंने इंटरव्यू किया एक और फॉर्मर एम्बेसिडर जमीर अकरम साहब, उन्होंने ये कहा कि जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब हैं वो आने लगे हैं अगली टर्म में, और बहुत इसको एक वो जैसे बहुत खौफ है इस चीज का, और साथ उन्होंने कहा कि बालाकोट टाइप जो है कोई वैसा हमला हो सकता है। बार बार उनके लिए वोट करते हैं, क्यों करते हैं भाई? जालिम मोदी आ रहा है, हमें कभी भी इसको इसको हमें रियलिस्टिकली कंसिडर करना चाहिए कि वो इस तरह की चीज कर सकते हैं, और पाकिस्तान को जो है इसके लिए पहले से तैयार रहना चाहिए। 5 अगस्त 2019 के बाद इकदामात लिए। आलिया, इस वक्त जो मोदी जी की जो विक्ट्री है वो साउंड प्रूफ है, वो जिस तरह कहते हैं ना कि एयर टाइट है, उसको इट कैन बी चैलेंज्ड। बार बार उनको रीएलेक्ट करते हैं अवाम। एक न्यू एयरक्राफ्ट कैरियर अपनी फ्लीट में शामिल किया गया, फिर वो तेजस पे जो 73 इयर्स ओल्ड तेजस में चढ़े, जिस तरीके से वो जी सूट पहन के टॉम क्रूज लग रहे थे, मैं तो आवाज सर। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तान में मोदी का खौफ सिर चढ़कर बोल रहा है। आज पाकिस्तान मीडिया ये चर्चा कराया कि अगर मोदी 2024 में चुनाव जीत गए तो वह बालाकोट की तरह एक और सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं। दूसरी तरफ भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के 73 साल की उम्र में आधे घंटे तक तेजस फाइटर जेट उड़ाने की गूंज अब पड़ोसी पाकिस्तान तक सुनाई दे रही है। पाकिस्तानी विशेषज्ञों ने भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों की तुलना की है। अमरीका में रह रहे पाकिस्तान बिजनेसमैन साजिद तारिन ने ट्वीट करके कहा है कि एक तरफ प्राइम मिनिस्टर मोदी है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के वर्तमान और दो अन्य प्रधानमंत्री हैं। पाकिस्तान का केयर टेकर पीएम भीख मांगने के लिए यूएई गया है। वहीं दो पूर्व प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार के मामले में कोर्ट का सामना कर रहे हैं। पाकिस्तान के दो पूर्व प्रधानमंत्री एक ही दिन कोर्ट में भ्रष्टाचार के मामले का सामना कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत के प्रधानमंत्री देश में बने जेट में 73 साल की उम्र में आधे घंटे तक उड़ान भर रहे हैं। अब जो आपने इलेक्शंस की बात की, हिंदुस्तान में जो इलेक्शन होगा, मुझे जहाँ तक मेरा सेंस है वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी फिर से जीतेंगे, और जिस तरह पहले उन्होंने ये डेमोंस्ट्रेट कर चुके हैं तो वो अभी भी करेंगे। तो पुलवामा के लिए तैयार रहना चाहिए, बालाकोट के लिए। ये है, दिस पॉसिबिलिटी, हमें कभी भी इसको इसको हमें रियलिस्टिकली कंसिडर करना चाहिए कि वो इस तरह की चीज कर सकते हैं। सो वी शुड नॉट लोअर आवर गार्ड, वी शुड बी विजिलेंट। बिल्कुल, तो ये करने के लिए तो वो कर सकते हैं। तो जब वो इस तरह की वहां पर पॉलिटिक्स होगी तो पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात उसी वक्त तो नहीं हो सकेंगे। अब वो इलेक्शन के बाद, मुझे तो जैसे मैंने कहा यही लगता है कि आपने मोदी साहब जीत लेंगे, बिकॉज अपोजिशन कोई है नहीं, वो मोदी कमज़ोर अपोजिशन है। तो जब तक मोदी साहब हैं तो उनके साथ बातचीत करने के कोई फ़ायदा है नहीं, उनका एक वन नहीं। तो दूसरा आर्गुमेंट ये है कि अगर नॉन बीजेपी गवर्नमेंट हो तो उनसे भी कोई बात करने का फायदा नहीं है, क्योंकि जो कांग्रेस है उससे तो आप कोई तवक्को नहीं रख सकते। जिस किस्म की ये बीजेपी गवर्नमेंट है, राइट विंग के साथ ही आप कुछ, हाँ, लेकिन राइट विंग में भी देखें, देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन वाजपेयी एंड मोदी। एग्जैक्टली, इनकी ये मोदी की तो कोई ऐसी कंडीशन वो है ही नहीं। मतलब आप कुछ भी इंडियंस की आप किताबें लेके पढ़ लें जो उसने किया है कश्मीर में, वो उसने तो ये, उसका बेसिक मैसेज ये है कि जी ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है ही नहीं, ये एक इंटेग्रल पार्ट है हिंदुस्तान का, और हमने जो इनको ये स्पेशल स्टेटस दिया हुआ था इसको बिल्कुल अब हटा दें, प्रोविजनल था, ये प्रोविजनल था जो कुछ भी, लेकिन अब हम इस चीज पर कोई बात करने के लिए नहीं तैयार हैं। और अगर आप उनके जो वजीर दिफा हैं उनकी अगर आप बात सुन लें तो वो तो ये कहते हैं कि जी आजाद कश्मीर को भी हमें गिलगित बल्तिस्तान को भी हमें लेना चाहिए। सो
इस माहौल में आप किससे बात करेंगे? तो नहीं तो फिर जो इस डेड लॉक किसान टूटेगा सर? फिर डेड लॉक देखें कई जगह है जब डेड लॉक नहीं टूटता, सालों से चलता है, डेकेड तक चलता है, तो हमें पेशेंट रहना चाहिए ज्यादा को इतना स्ट्रेटेजिक पॉज हमें रखना चाहिए, हमें तैयार होना चाहिए। खबर ये चल रही है कि जो हमारे फॉर्मर एम्बेसिडर अब्दुल बासित साहब है उन्होंने इंटरव्यू किया एक और फॉर्मर एम्बेसिडर जमीर अकरम साहब, उन्होंने ये कहा कि जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब हैं वो आने लगे हैं अगली टर्म में, और बहुत इसको एक वो जैसे बहुत खौफ है इस चीज का, और साथ उन्होंने कहा कि बालाकोट टाइप जो है कोई वैसा हमला हो सकता है और पाकिस्तान को जो है इसके लिए पहले से तैयार रहना चाहिए। तो साजिद साहब एक तरफ हम सुनते हैं कि जनाब जो राह है वो घुस घुस के जो है वो मुल्क के अंदर मार रही है लोगों को, और दूसरी तरफ अब मोदी के आने से इतना ज्यादा खतरा ये खौफ है कि कह रहे हैं कि जनाब ये तो हमला हो जाएगा। तो आपको ये फिनोमेना कैसा लग रहा है? क्या हम इतने ही वो हो गए हैं, क्या अब बैठ गए हैं डर के मारे कि ये क्या होगा हमारे साथ? एक मेरा एक यूनिवर्सल किस्म की जब उन्होंने एक चीजें दी हैं कौम को नेशनलिज्म के हवाले से, और उसके बाद अगले दिन फिर वो तेजस पे जो 73 इयर्स ओल्ड तेजस में चढ़े जिस तरीके से वो जी सूट पहन के टॉम क्रूज लग रहे थे, मैं तो आई वाज सरप्राइज वो टॉम क्रूज बन गए। तो फिर उसके बाद उनको इलेक्शन जीतने के लिए अब मेरा ख्याल बालाकोट बहुत छोटा होगा अब इस वक्त। बल्कि मैं ये बताना चाहूंगा बासित साहब को और उनके दोस्तों को भी, इस वक्त भारत जो है वो पाकिस्तान की बात करके भी राजी नहीं है। आप मेरा मकसद कहे ना वो अटैक करेंगे या आप उनसे किसी चीज में अपना को मुकाबला कर रहे हैं, को कंपैरिजन कर रहे हैं, वो कहते हैं इनसे बात करने से भी हमारा स्टेटस जो है वो लोअर हो जाता है। जालिमो मोदी आ रहा है। इंडिया की एक और खबर है कि एक न्यू एयरक्राफ्ट कैरियर अपनी फ्लीट में शामिल किया गया है टू काउंटर चाइना। ये जो मैंने एक सेंटेंस बोला अपने प्रोग्राम के स्टार्ट में, मैंने कहा जालिम और मोदी आ रहा है, तो एक वक्त हुआ करता था पाकिस्तान की सियासत में कि जो जमात इस्लामी है उसके जो लीडर थे काजी हुसैन अहमद, तो जब इलेक्शन हुआ करते थे तो इलेक्शन के दौरान उस पार्टी के लिए कहा जाता था जालिमो काजी आ रहा है। अब जालिमो काजी आ रहा है जो है, यानी ये कि डराने के लिए दीवारों पे लिख दिया जाता था उनकी पार्टी की तरफ से कि भाई बाकी सब जो है वो चुप करके बैठ जाएं और अब पीछे छुप जाएं और अब किसी के कुछ नहीं चलेगी क्योंकि काजी आ रहा है। तो जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की बासगश्त है वो बहुत दूर दूर तक जा रही है। हमने जैसे इससे पहले भी एक प्रोग्राम किया तो ऐसा लगता है कि वो जालिमो मोदी आ रहा है। एक तो ये बात कही जा रही है जुबान ज़द-ए-आम कि भाई अगला इलेक्शन जीत कर वो आ रहे हैं, और सिर्फ यही नहीं बल्कि अब डेली बेसिस पर जो खबरें आती हैं इंडिया की, तो अब तो ऐसा लगता है कि ये जो बात कही जाती है कि मोदी आ रहा है वो उनके ओपोनेंट्स के लिए इंडिया के अंदर सिर्फ नहीं है बल्कि ये तो पूरी दुनिया के लिए है कि जिसने जो करना था कर लिया,